हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र कुमार महंत है। मैं तीन महीना करीब हुआ कि मैं यहाँ मुंबई आया हूँ। उससे पहले मैं उड़ीसा में रहता था। पहले से ही बचपन के से एक्टिंग और एक्टर बनने का दिलो दिमाग में ऐसा सवार हो चुका था कि मुझे एक्टर ही बनना था। ये ख्वाब लेके मैं मुंबई आया। मुंबई ऐसे सोच देते हैं वहाँ जाके ऐसे काम मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमें एक्टर बनना है और एक्टिंग करना है तो हमें थोड़ा बहुत ये एक्टिंग क्या होता है और उसका बेसिक नॉलेज और बॉलीवुड के विषय में थोड़ा नॉलेज लेना ज़रूरी है। अगर हम यहाँ आके उस नॉलेज को नहीं लेते हैं, जो ये बॉलीवुड को कहा जाते माया नगरी, ये सचमुच पूरा माया भी जाल यहाँ पे बिछा के रखता है। ये एक चक्रव्यूह की तरह ही है। अगर इस चक्रव्यूह का हमें भेद करना है तो यहाँ आके बॉलीवुड को हमें समझना चाहिए, सही थोड़ा नॉलेज लेना चाहिए। अगर नहीं लेते हैं नॉलेज तो यह बहुत मुसीबत होता है। तो मैं भी शुक्रगुजार करूँगा संजीव सर की, जो उनके यूट्यूब की मदद से आज उनके हमें वर्कशॉप पे आया हूँ। और मुझे सपना को जो हकीकत लाने का जो ख्वाब लेके यहाँ आया था, मुझे लगता नहीं और ज़्यादा दूर है, क्योंकि आज मैं खुद यहाँ खड़ा हूँ। हाँ, सब टीवी में आने वाला बड़े दूर से आए हैं सीरियल की सेट में, और ज़्यादा दूर नहीं है। व्हाट्सअप ख़त्म करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि काम में कर लूँगा। ऐसे मेरे अंदर पैदा हो चुका है कॉन्फिडेंट, और इतना थोड़ा बहुत नॉलेज आ चुका है, काम मुझे मिल जाएगा। सिर्फ मुझे अपना वर्कआउट करना है बस, उसके बाद मुझे काम मिल जाएगा। और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे यहाँ जो आते हैं हर कोई फ्रॉड का शिकार होता है, लेकिन ऐसा मेरे साथ अब कुछ नहीं होगा। मुझे पूरा नॉलेज हो चुका है बड़ी, जैसे कि ऐसे लग रहा है बॉलीवुड हमें बोल रहा है, वेलकम कर रहा है हमें, आ जाओ, सब नॉलेज हो चुका है। सो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ यही मेरे जो आने वाले नया स्टूडेंट है यहाँ बॉलीवुड को अपने करियर के तौर पे करने वाले हैं, एक बार ये व्हाट्सएप ज्वाइन करना चाहिए। कम से कम ज़्यादा अफोर्डेबल भी कॉस्ट है, और इधर उधर मत जाइए। कि मैं यही सलाह दूँगा, कम अफोर्डेबल में यही सीखे और सीख लेना चाहिए, नहीं तो यहाँ आके बहुत मुश्किल होता है, जो मैं खुद यहाँ पर फील किया हूँ। प्लीज़ बस।